स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। और इसके पहले जो हमने जो आपके लिए एक वीडियो बनाया था, पूरा वॉशिंग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसका भी आपको आपने हमें बहुत प्यार दिया है, मगर उसके अंदर हमें जितना सोचा था उतना लाइक्स हमें नहीं मिला है। तो उसके लिए आज हमारे व्यूवर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को 1000 लाइक दें। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। 1000 लाइक का जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा, अगला वीडियो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फोर व्हील के लिए और बाइक्स के लिए, जिसके अंदर हम नई टेक्नोलॉजी वाला जो अभी गोबे और जो डेंट निकालने वाला एक नया मशीन आया है, जो वेल्ड करके बगैर किसी हथौड़ी या बगैर किसी लाख से वो डेंट को निकाल के खींचने वाला एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास मशीन आया है, उसका डिटेल वीडियो हम डेमो के साथ आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबा दें और वीडियो को अंत तक देखते रहे। धन्यवाद, थैंक यू। शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स है। देख पा रहे हैं आप, हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स है। एक इनको का एंगल ग्राइंडर है और ये भी हमारा पॉलिशर मशीन है, और नीचे हमारे पास याटो का एक पॉलिशर मशीन है। सबसे पहले हम हमारे याटो का पॉलिशर जो मशीन है इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं कि फोर व्हील का पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके पहले हमने फोर व्हील को सर्विस करने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था न्यूमेटिक वाला, उसके बाद हमने ये जो डेंटिंग और प्रिंटिंग वाले जो पॉलिश का काम करते हैं उसके लिए वीडियो लेके आए हैं हम। इसके बाद हम लोग डेंट और प्रिंट निकालने के लिए एक वीडियो लेके आएंगे डेडिकेटेड। याटो के बॉक्स पे यहाँ पर लिखा हुआ है 720 वॉट का है, और ये इसका जो नमदा बोलते हैं जो लगाने वाला जो बेस, ये भी आपको तीन गुना ज़्यादा बड़ा मिलेगा। 5 मीटर का इसका वायर है और इसके अंदर जो लेवलिंग करने के लिए एक दी हुई है, वो लेवलिंग का भी आपको पता चलेगा कि आपका हाथ सीधा चल रहा है कि क्रॉस चल रहा है। और 150 mm का इसके अंदर ये चक्कर लगेगा, बड़े में बड़ा 150 mm तक का आपका इसका चक्कर लग जाएगा। और इसके अंदर वेरियस RPM कर सकते हैं आप, 2100 से लेके 5000 तक आप इसके RPM को ले जा सकते हैं। तो पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। बॉक्स बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। एट डबल टू डबल जीरो इसका कोड नंबर है। बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है याटो के, जैसे ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट याटो के रहते। ये इसका बुकलेट है, साइड पे कर देते। बहुत ही हैवी क्वालिटी का 5 मीटर लंबा वायर है, जो इसके बॉक्स पे भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो काम रहता है इसमें क्या है कि लंबा वायर जरूरी है। और ये रहा हमारा याटो का एंगल ग्राइंडर, ये पॉलिशर बोलते हैं इसको, मगर हम ग्राइंडर भी इसको बोल सकते हैं। ग्राइंडर के हम ग्राइंडर भी लेके आए हैं, उसकी भी एक वजह है कि एंगल ग्राइंडर क्यों लेके आए हैं। ये उसके अंदर के जो नमदे है वो आपको यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, ये वेलक्रो रहता है। तीन तो इसके अंदर ही साथ में ही आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और बाकी के एक्स्ट्रा के हम लोगों जो अलग अलग साइज़ के होते हैं वो भी हम लोगों लेके आए हैं मार्केट से। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसकी, बॉक्स को थोड़ा साइड पर रख देते हैं। और प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका एलेंकी दिया हुआ है ये रहा, जिससे आप इसको निकाल के खोल सकते हैं। यहाँ पे इसका जो नमदा, ये जो होता है नमदा, इसका पीछे से लॉक करके इसे करके आप इसको, और ये पूरे नमदे को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको अगर छोटा चाहिए, छोटा 150 mm का चाहिए, 150 mm का भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए पूरा निकल जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर भी पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, इसके साइज़ का खांचे दिए हुए हैं, उस खांचे के हिसाब से ये बैठता है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बैठ गया, ये कहीं भी रुक गया, ये खांचे के हिसाब से बैठता है। ये वापस लगा देता हूँ मैं इसको। क्वालिटी बहुत बढ़िया है याटो की, और ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि गुजरात सूरत सिनेमा रोड के ऊपर लोकेटेड है। और हमारे सारे व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको एक बार हमारी शॉप विज़िट करना चाहे तो आप विज़िट कर सकते हैं।
बहुत ही मज़ा आएगा आपको, आपके लाइन के सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको चालू करके भी बता दूंगा, इसके बाद मैं आपको एक और एक मशीन बता देता हूँ प्रोकट का, तो आपको थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा। ये हमारा प्रोकट का है, प्रोकट भी बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके अंदर भी आपको ये डिस मिलती है, मैक्सिमम आरपीएम 8050 और ये 180 mm का ये डिस है। ये इसका बुकलेट है, इसका कवर है जो इसके अंदर लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये रहा हमारा प्रोकट का, और ये इसका हैंडल भी है, बाकी बॉक्स के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। दोनों कंपैरिजन में आपको बता दूं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट से ये वाला डिश लग जाएगा, ये वाला डिश आपको डायरेक्ट से लग जाएगा। ये आपका डिश लग गया, और ये थोड़ा हैवी है, मगर क्या है, याटो की थोड़ी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा लाइट है। जो हमारा रगड़ने वाला जो काम होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये होल्ड करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रिप दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए शार्प, इसका शार्क जैसा पकड़ने वाला शेप भी है। अब इसमें क्या है, आपको कोई ग्रिप नहीं मिलेगी, या आप यहाँ से पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसकी वजह क्या है कि ये मेटल बॉडी है, और मेटल बॉडी होने की वजह से जब आप इसके ऊपर प्रेशर करेंगे, लोड देंगे, तो ये गर्म हो जाएगा। जैसे हमारे छोटे वाले ग्राइंडर होते हैं वो गर्म हो जाते, तो ये मेटल बॉडी है, ये गर्म हो जाएगी, तो फिर आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हैंडल है वो यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको टेम्पररी यहाँ पर लगा के बता देता हूँ। मैं तो मैं एक बार फिट करके आपको बता देता हूं, फिर मैं दोनों प्रोडक्ट को चालू करके भी आपको बता दूंगा। ये क्या है कि ये मार्केट में अभी यही ये चल रहा है, ये यहाँ पर ऐसे फिट हो जाएगा, ये मेड इन इंडिया है प्रोकट। और ये जो हमारा याटो है ये पोलैंड की कंपनी है, तो देख सकते हैं ऐसे आपको इसको पकड़ना रहेगा, होल्ड करना रहेगा। ये भी कंफर्टेबल है, मैं ना नहीं बोलता हूँ कि जो यूज़ करने वाले कायम जो हमारे कारीगर जो दोस्त है वो यूज़ कर रहे होंगे तो उनको यही सूटेबल रहेगा, मगर अब ये पुराना हो गया है। अब क्या है कि ये जो याटो का ये थोड़ा वेट में है, ये तकरीबन इसका 2 किलो वज़न है, इसका 2 kg वेट है इसका, उसकी जगह पे ये देख लेंगे तो ये 1.5 किलो के आसपास का इसका वज़न है पूरे मशीन का। और इसके अंदर सबसे यहाँ पे ये भी आप साइड में इसको हैंडल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार खोल के बता दूँ। आसानी से आप इसके अंदर भी हैंडल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिया हुआ है, अगर आपको यूज़ करना ही है यहाँ पर भी आप हैंडल लगा सकते हैं। मगर क्या है कि ये सबसे बड़ी ये याटो की खास बात है इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको प्रेशर पकड़ना हो तो आप यहीं से उसको होल्ड कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एक बार मैं इसको चालू करके बता देता हूँ दोनों को, निकलने की जगह भी अलग अलग है। हाँ, दोनों का आपको एयर निकलने का जगह भी पीछे दिया हुआ है, स्विच भी बहुत बड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका थोड़ा स्विच का क्वालिटी आपको इसके अंदर वेरियस स्पीड तो आपको इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, ये आप लॉक कर देंगे तो ये आपका एक स्पीड पे चलता रहेगा। इसके अंदर भी आपको लॉक का स्विच मिल जाएगा, ये आपने लॉक कर दिया, ये लॉक छूटा हो गया, लॉक हो गया, खुल गया, तो ये भी आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको चालू करके बता देता हूँ, देखिए चालू करके मैं आपको बता देता हूं।
ये जैसे आप इसको पुश करेंगे ये सेंडिंग का भी काम करेगा और पॉलिश का भी काम करेगा। जैसे इसकी एक आरपीएम पे आएगा ये पूरा घूमने लगेगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके ये घूम रहा है और इसको मैं आपको घुमा के बताऊंगा पूरा राउंड ही घूमेगा। इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसको कम कर देता हूँ। ये वन पे है अभी, अब मैं बढ़ा रहा हूँ इसकी। ये वन पे आ गया और ये अभी मैक्स पे चला जाएगा, सिक्स पे आ गया। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है और इसके 3000 RPM है, इसके 3000 RPM है और 1200 वॉट है, जबकि उसके सामने ये सिर्फ 700 वॉट है, इसका आधा है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर आर्मेचर जो है याटो का, वो बहुत ही हैवी क्वालिटी का याटो का आर्मेचर लगा हुआ है और ये जो पोजीशन है वाइब्रेशन की, इसके अंदर थोड़ा चेंजेस है। ये आपको मैं आपको बता दूँ इसको चालू करके भी, देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं और आवाज़ भी एकदम स्मूथ है। एक एक क्योंकि पूरी गाड़ी कलर और ये पूरी गाड़ी को घिसने के अंदर तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे, कभी कभी तो एक एक दिन निकल जाता है। तो उसके अंदर क्या है, अगर हल्का फुल्का मशीन होगा, आवाज़ कम आती होगी और अच्छे से आप होल्ड कर पाएंगे तो आप बहुत देर तक उसके अंदर काम कर सकेंगे। इसके अंदर स्पीड के अंदर मैं आपको ये मिनिमम स्पीड पर, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम स्पीड का मैं बता दूँ। आवाज़ और ये जो मशीन की खास बात है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है। मैं डायरेक्ट इसको स्विच दबाऊंगा, ये तुरंत नहीं उठेगा, देख सकते आप, देखिए। कुछ देर के बाद इसने स्पीड पकड़ी है और इसको मैं आपको एक बार बता दूं, ये डायरेक्ट करंट वाला है, इसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं है। जिसकी वजह से क्या, जैसे आप इसको स्विच दबाएंगे, मैं इसको मिनिमम पे कर दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, देखिए आप, और मैक्स में, मैक्स के अंदर तो आप देख लीजिए, झटका लगता है, आपके हाथ में झटका आएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं एक बार मैक्स करके, ये 6 पे ही है, ये मैक्स पे ही था, यहाँ पे देख सकते हैं 6 पे ही है। अब मैं इसको आपको चालू करके बताता हूँ, मैं कितनी धीरे, मेरे हाथ में थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए वजन भी बहुत अच्छी से मैनेज हुआ ही है। और मैं मिनिमम पे अगर आपको करूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी इसमें, देखिए ये आसानी से काम कर रहा है। इसमें क्या रहता है कि गाड़ियाँ वगैरह जो होती है उसके अंदर पॉलिश करने के लिए आपको धीरे स्पीड के ऊपर एक ही जगह पर रगड़ते रहना रहता है, पॉलिश मार मार के। तो उसके अंदर क्या है, अगर लाइट वेट होगा और अच्छे से काम, अगर आपकी वर्क कैपेबिलिटी उसमें बढ़ जाएगी। अब ये दो मशीन मैंने आपको बता दिए, इसके अंदर मैं आपको एक बार ये भी लगा के बता देता हूँ, मैं जो इसका नमदा बोलते हैं, दोनों के अंदर सेम प्रकार के लगेंगे। ये हमारा किंग टूल्स का नमदा है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, हमारे पास सारी रेंज है इसकी। ये ऐसे यहाँ पर लग जाएगा और कंप्लीट आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। क्या बात है, बहुत स्मूथ है। इसको आपको निकालना भी बहुत आसान है, इसे कैसे आप निकाल लेंगे और इसको इसमें लगा देंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब ये प्रोडक्ट की हमारी रेंज के अंदर एक छोटा, इसके छोटा भाई बोलते हैं। और इसमें क्या है कि ये दो मशीन, तो मैं दोनों का प्राइस आपको डाल दूंगा, इसका भी प्राइस डाल दूंगा आपको वीडियो में, मगर ये सजेशन की तौर पे मैं आपको लेके आया हूँ ये वाला। ये एंगल ग्राइंडर है, मगर ये पॉलिश वालों को कैसे काम लगेगा उसकी एक वजह मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये इनको ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये जो एंगल ग्राइंडर है और इसके RPM भी ज़्यादा है। इसके RPM में आपको बता दूं 12000 RPM पर मिनट का ये एंगल ग्राइंडर है, ये दोनों से ज़्यादा है। मगर इसको ये कैटेगरी में और यहाँ पे शामिल करने की वजह ये है
अगर आपका काम कम है, अगर आप एज ए एक मैकेनिक है, आपको अगर छोटा काम है और अगर आपको ज़्यादा इतना बड़ा पॉलिशर नहीं चाहिए, एक मल्टीपल एंगल ग्राइंडर चाहिए जिससे आप किसी चीज़ को काट भी सकते हैं और जिससे आप पॉलिश भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत सस्ते में आपका काम निपट जाएगा। तो उसकी खास वजह ये है कि इसके अंदर स्पीड का मीटर दिया हुआ है यहाँ हाँ पर। जैसे कि हमारा ये जो पॉलिश मशीन जो जो कारीगर वर्क लेता है वो इसके लिए लेता है कि भाई उसकी स्पीड कम होती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, आप इसको 0 पे कर देंगे, 1 पे कर दिया आपने, और इसकी स्पीड देख लीजिए आप, स्पीड वेरिएशन वाला स्पीड वेरिएशन वाला है। और सबसे बड़ी बात है, इसका स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑन ऑफ का जो स्विच है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये भी आप ऐसे इसको होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लगा देंगे। मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप लगा के बता देता हूँ इसमें, तो आपको आइडिया आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इसमें चल जाएगा। ये मैंने इसका पूरा चक्का निकाल दिया है और ये चक्का निकाल के मैंने इसमें लगा देता हूँ मैं जी। ये पूरा आटा है, इसमें आपको आटा ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके डन। और मैं इसको थोड़ा टाइट भी कर देता हूँ, ये टाइट हो गया। अब क्या है, ये नॉर्मल 1 स्पीड है, इसकी मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ यहाँ से। बहुत लाइट है ये। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका काम कम हो तभी, अगर आपके पास दिन में पूरा दिन आपको अगर एंगल ये जो चलाना है, आपको पॉलिशर पूरा दिन चलाना है, तब आपको ये हमारा छोटे काम के लिए, और कभी कभी काम करना है उसके लिए, ये हमारा लंबा काम करना है तो आप लंबे काम के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, और ये भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है प्रो कट का। और इससे ज़्यादा भी आपको ये इंको के अंदर भी आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा, प्रो कट के अंदर भी आपको ज़्यादा आरपीएम का, कम आरपीएम का, हर किस्म के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमारे जो व्यूवर्स है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार हमारे किंग टूल सूरत के ऊपर ज़रूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको अगर चेक करना है, तो एक बार आप हमारा ज्वाइंट बटन दबा दें, उसके अंदर आपका वीडियो कॉल बुक कर दें, हम आपको एक टाइम देंगे और पूरी शॉप की आपको लाइव आपको पूरे शॉप का टूर करके बताएंगे कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।